सो हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू द फिट गाइस। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर इस पूरे ट्रेडिंग दुनिया के अंदर अगर सबसे अच्छा एंड सबसे प्रॉफिटेबल कोई भी सेटअप या फिर स्ट्रेटेजी है तो वो है स्टॉप लॉस हंडलिंग। बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टॉप लॉस हंडलिंग का पावर कितना है। हम लोग कुछ चीज एनालिसिस करेंगे एंड एनालिसिस के साथ साथ मैं आप लोगों को ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस हंडलिंग का पावर कितना है। हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमने इस मंडे टू फ्राइडे हमने हर दिन ट्रेडिंग किया और हर दिन हमारा जो टारगेट है वो हिट हुआ, और हमने हर दिन आप लोगों को पता ही है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टॉप लॉस हंडलिंग यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भी स्ट्रेटेजी यूज नहीं करते। ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर कोई भी सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी है वो है स्टॉप लॉस हंडलिंग। इससे बढ़िया सेटअप कुछ भी नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो आज इस वीडियो को आप इन तक देखोगे तो आपको ये प्रूफ करके मैं दिखा दूंगा। ओके, और ये भी मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को इन तक देख लिया तो आपको स्टॉक ये जो स्टॉप लॉस हंडलिंग स्ट्रेटेजी है इसको सीखने में आप मजबूरी हो जाओगे। आप इसको सीखना ही सीखना चाहोगे किसके, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंडलिंग चीज ही ऐसा है, ये हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति स्टॉप लॉस हंडलिंग को ना सीखे ट्रेडिंग में कूदेगा तो वो 100% लॉस करेगा, एंड अगर कोई भी व्यक्ति स्टॉप लॉस हंडलिंग को सीखने के बाद मार्केट में ट्रेडिंग की दुनिया में जाता है तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। ओके, सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हाँ, वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके, सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, आज हमने इस पूरे हफ्ते के अंदर पहले बात करते हैं कि आज हमने इस पूरे हफ्ते के अंदर हमने जो भी ट्रेडिंग किया, हम लोग मंडे टू फ्राइडे हर दिन ट्रेडिंग किया एंड उसका जो सबूत है, हमने हर दिन ट्रेडिंग किया, हर दिन जो हमारा टारगेट हिट हुआ या फिर एसएल हिट हुआ, हमने कितना प्रॉफिट किया कितना नहीं हुआ, वो सब कुछ मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो रोज डालता हूँ, वो भी आप लोग चेक करके देख सकते हो। और हमने इस पूरे हफ्ते के अंदर जो भी कमाया वो पहले मैं आप लोग को सब शेयर करना चाहूंगा। इस पूरे हफ्ते के अंदर हमने इस 5 दिनों के अंदर मंडे टू फ्राइडे के अंदर हमने कमाया 633 रुपीज़। ओके, हम लोग 6,000 के 600 प्लस हमने कमाया सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि मैं हमेशा एक लॉट से काम करता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैं एक लॉट से ज़्यादा कभी भी बाई या फिर सेल नहीं करता, मैं एक लॉट में ही काम करता हूँ। और अब ये अपना मेरा यूट्यूब चैनल का अपना अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं हमेशा एक लॉट के अंदर ही काम करता हूँ। ओके, और एक लॉट से इन 5 दिन के अंदर 6,000 से ऊपर प्रॉफिट करना कभी बड़ी बात हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंडलिंग में हम लोग को जो टारगेट मिलता है वो काफी ज्यादा मिलता है। मिनिमम 100 पॉइंट तो आप मान के ही चलो हम लोगों को मिनिमम 100 पॉइंट मिलता ही मिलता है, और मैक्सिमम हम लोग को 150 पॉइंट 200 पॉइंट मिलता रहता है। और ये दिसंबर का महीने चल रहा है, और दिसंबर का महीने में मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज होता है, और ऐसे मार्केट में ओके 5 दिनों के अंदर 6,000 रुपीज काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाता है। ओके, क्योंकि अगर ये पैसा कभी और बनता तो ठीक है, पर दिसंबर के टाइम पे ऐसा बन रहा, ये पैसा बन रहा तो काफी बड़ी बात हो जाता है। तो इससे आप लोग पता लगा सकते हो कि स्टॉप लॉस हंडलिंग कितना ज्यादा एक्यूरेसी वाला सेटअप है। और बात करते हैं कि हम लोग का एसएल कितना हिट हुआ। हमने मंडे टू फ्राइडे हर दिन ट्रेडिंग किया और हमारा एक दिन भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हमने हर दिन ट्रेड करते थे, एक बार दिन में एक बार हम लोग ट्रेड प्लेस करते थे, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर से एक बार ट्रेड करने के ट्राई करते हैं। पर हम लोगों का इस हफ्ते के अंदर एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हमने हर दिन टारगेट को रीच किया, हमने हमारा जो टारगेट है 100 पॉइंट 150 पॉइंट वो हमारा हर दिन हिट होता था, हमारा स्टॉप लॉसेस एक दिन भी हिट नहीं होता था। ओके, सो इससे आप लोग पता कर सकते हो कि स्टॉप लॉस हंडलिंग कितना बढ़िया चीज़ है, इसका एक्यूरेसी कितना ज़्यादा है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बैक टेस्टिंग करोगे, जितना फ्रंट टेस्टिंग करोगे, उतना आपको एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। और सबसे पहली चीज़ आपका मन में अभी आ रहा होगा कि जो स्टॉप लॉसेस हंटिंग है, ये स्टॉप लॉसेस हंटिंग सेटअप आप कहाँ से सीख पाओगे। सो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्री में एक कोर्स आप लोगों के लिए मैंने बना के रखा है, जिससे आप लोगों को वॉच करने के लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। आप इस चैनल का प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको एसएल हंटिंग का एक यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग का एक पूरा फुल फ्री कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने एकदम स्टॉप लॉस हंटिंग का बेसिक से एडवांस सब कुछ मैंने बता के रखा है। और उसके बाद उसके पहले और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि देखो कि हर एक मंडे या फिर हर एक संडे को हफ्ते में एक बार मैं स्टॉप लॉस हंडलिंग से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करता हूं, जिससे आप लोग ज़्यादा कुछ सीख पाओगे। ओके, सो मैंने मेरा प्लेलिस्ट के अंदर जितना भी चीज़ें होता था स्टॉप लॉस हंडलिंग के अंदर, जितना भी चीज़ें होते थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा यानी कि हम लोग 60% से लेकर 70% चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जो चीज़ बता रह गया है 30% जो चीज़ें जो भी रह गया है वो अभी अभी भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो वो भी मैं बात बता दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने काफ़ी बार मेरे से रिक्वेस्ट करते थे कि मैंने जो स्टॉप लॉस हंडलिंग में जो भी मैंने वीडियो बनाता हूँ उसमें लेंथ बड़ी कम रहता है, हम लोग 10 मिनट का
15 मिनट का, 20 मिनट का हम लोग का लेंथ रहता है। पर मैंने सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिसमें पूरे के पूरे स्टॉप लॉस रनिंग कवर हो जाए। देखो हमने जो प्लेलिस्ट बनाया उसमें 70% चीज़ें ऑलरेडी बता के चुका हूँ, जो भी 30% चीज़ें हैं वो मैं एक वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। और ये वाला वीडियो जनवरी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोग स्टॉप लॉस रनिंग पूरा सीख जाओगे। अभी मेरा चैनल पे जितना भी वीडियो है स्टॉप लॉस रनिंग के बारे में, वो भी अगर आप मार्केट के अंदर अप्लाई करोगे तो आप मार्केट से 100% पैसा गारंटीड आप कमा सकते हो। पर जो भी 30% चीज़ें है रह गया है, बाकी वो सारे चीज़ मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके वजह से ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो वीडियो है, वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, शायद 1 घंटे की हो सकता है वो वाला वीडियो। तो इसीलिए मैं उस वीडियो में अभी भी कम कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं अभी भी ऐड करते जा रहा हूँ। और एंड ये वाला वीडियो जो है जनवरी में आएगा, ओके आप लोग देखना, आपको पूरा स्टॉप लॉस रनिंग में सिखा दूंगा और आप लोगों को उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ओके। सो इससे आप लोग पता लगा सकते हो कि स्टॉप लॉस रनिंग जो स्ट्रैटेजी है, जो सेटअप है, एक इतना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है। मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो, हमेशा मार्केट में लॉस करते हो, तो ज़रूर इस कोर्स को एक बार, सॉरी बाय तो नहीं कहना चाहूँगा कि इस कोर्स को, ये फ्री कोर्स है, आप लोग इस कोर्स को प्लीज़ एक बार करो। आपको कोई भी पैसा तो नहीं देना पड़ रहा है, एटलीस्ट आप लोगों को कोई भी पैसा तो नहीं जा रहा है। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग, वो वाला जो कोर्स है उसको ज़रूर बाय करो, सॉरी बाय नहीं करो, उस कोर्स को प्लीज़ वॉच करो। मैंने जो भी चीज़ बता के रखा है वो सब कुछ वॉच करो। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग अगर सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग को यूज करोगे, 6 महीना 1 साल अगर आप स्टॉप लॉस रनिंग को दे दोगे, एटलीस्ट 6 महीना आप लोग, 6 महीना 6 मंथ्स अगर स्टॉप लॉस रनिंग को आप दे देते हो, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग 6 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस रनिंग की मदद से। अगर आप लोग बिना स्टॉप लॉस रनिंग से स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग करोगे, तो मेरे हिसाब से वो तो गैम्बलिंग ही होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस रनिंग इतना बढ़िया चीज़, इतना अच्छा सेटअप आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी चैनल पर नहीं मिलेगा। आप लोग स्टॉप लॉस रनिंग को जरूर सीखिए, कहीं से भी सीखिए, पर जरूर स्टॉप लॉस रनिंग को सीखिए, ओके। सो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को कब से पसंद आया होगा। तो वीडियो को अगर आप लोगों को वीडियो से अपने थोड़ा भी कुछ जाना, या फिर आपको ये वीडियो देखने में थोड़ा भी मजा आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल वाला घंटी है उसको प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, और हो सके तो चैनल को, सॉरी वीडियो को शेयर भी कर देना, ओके। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।